हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सपीएस फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो देखिए, उसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ देखिए फाइल टैब आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा एक्सपोर्ट्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर देखिए आपको अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करनी, कहाँ पर आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं। तो हमने डेस्कटॉप सेव कर लिया। उसके बाद फाइल का नाम दे दीजिए, तो हम बुक वन ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेव एज टाइप में यहाँ पे देखिए एक्सपीएस दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कि एक्सपीएस नहीं दिखा रहा है तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से आप एक्सपीएस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे, ये फाइल जो है वो देखिए डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। अब ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और ये देखिए, ये रही हमारी फाइल, ठीक है। इसको क्लिक, इस पर डबल क्लिक करिए और ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल थी वो एक्सपीएस में सेव हो गई।